जब बात भविष्य जानने की हो तो पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। अंधविश्वास के नाम पर जयपुर में न्यूड फोटो लेकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस वारदात का मास्टरमाइंड जयपुर एयरपोर्ट पर बतौर ग्राउंड स्टाफ के काम इस वारदात का मास्टरमाइंड जयपुर एयरपोर्ट पर बतौर ग्राउंड स्टाफ में काम करने वाला शुभम खंडेलवाल बताया जा रहा है, जिसने भविष्य बताने के नाम पर अपने साथ काम करने वाली महिला की न्यूड फोटोज मांगी। इसके बाद महिला को ब्लैकमेल कर अपनी हवस का शिकार बनाया, तो बदला लेने की नियत से पीड़ित महिला ने अपने पति और तीन दोस्तों के साथ मिलकर आरोपी शुभम का अपहरण कर लिया और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। अपहरण कर और आरोपी की पिटाई करने के बाद पीड़िता आरोपी को बजाज नगर के थाने में लेकर गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इस कहानी में मोड़ बजाज नगर के पुलिस स्टेशन में आया, जब पुलिस ने आरोपी शुभम को छोड़ दिया और उल्टा मामला महिला और उसके दोस्त समेत पति पर दर्ज कर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि रेप के केस को लेकर पुलिस ने कहा कि ये मामला महेश नगर थाने का है। वहीं जब महेश नगर थाने में पुलिस ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये रेप का और ब्लैकमेलिंग का मामला 2020 का है। तब महिला का पति दुबई में काम करता था और जब वो दुबई से वापस आया तो महिला ने अपनी आपबीती अपने पति को बताई, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ और अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। यानी कि इस कहानी में अपराध दो हैं और आरोपी छह। पहली कहानी में अंधविश्वास और ब्लैकमेलिंग है तो दूसरी कहानी में अपहरण और बेबसी है। लेकिन न्याय पाने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हमारी इस खबर पर आपकी राय क्या है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द न्यूज 15 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।